अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं टेबल ट्रीट्स। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ बर्गर्स, जो कि बहुत यम बनता है। मैं बंस ख़ुद बनाती हूँ, आप बाहर के बंस भी ले सकते हैं जो मतलब मार्केट से मिलते हैं। इसके लिए हम एक बाउल में तकरीबन 1.5 चम्मच चीनी लेंगे और उसमें हम डालेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून बनता है ड्राई यीस्ट जो होता है, और उसमें तकरीबन 1 कप मिल्क डाल के उसको साइड पे रख देंगे ताकि जो यीस्ट है वो अपना मतलब ब्लूम कर सके, वो रेज हो सके, उस एक्टिव हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम इसमें एक लार्ज अंडा डालेंगे, एक एग और तकरीबन 50 ग्राम्स ऑफ मेल्टेड बटर, और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके ढक के साइड पर रख लेंगे। ठीक है, अब हम ये बंस बनाने जा रहे हैं। इसमें तकरीबन हम डालेंगे 1/4 कप, जो हाफ का हाफ होता है वो हम चीनी डालेंगे, और तकरीबन 3.5 कप हम इसमें मैदा डालेंगे। अब इसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करें, गूंदना शुरू करेंगे। ठीक है, मतलब पहले इसको सारा वेट करना है। ठीक है, अब हंसब ज़रूरत हम थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें। अब इसको थोड़ा सा वेट करके इसको मतलब पूरा इकट्ठा करके इसको शेल्फ के ऊपर गूंदना है। ठीक है, डो बहुत सख्त नहीं बनानी, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सख्त है तो आप उस पर वो भी थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। अब इसको बहुत अच्छे से गूंदना है ताकि सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाए और एक नरम सा पेड़ा बना लेना है, इतना सॉफ्ट सा डो बना लेना है। अब एक बाउल को आप ऑयली करके, ग्रीस करके उसमें जो डो है वो रख दें, और डो के ऊपर भी आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि साइड से चिपके ना, रेज होके चिपक जाता है। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल हम और लगाएंगे, और जो बाउल है उसको हम शीट से, जो प्लास्टिक शीट होती है उससे हम इसको एयरटाइट कर देंगे। ठीक है, अब ये देखें 3 से 4 घंटे के बाद ये रेज हो गया है, और इसका पूरा, इसकी जो हवा है वो निकाल के इसको दोबारा से थोड़ा सा आपने प्रेस करना है, एक पेड़ा सा बना लेना है, और उसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा करके बटर ऐड करेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून, टेबल स्पून नहीं लगाना है, टीस्पून लगा के थोड़ा थोड़ा इसको गूंदना है ताकि ये जो सारा बटर है वो इसमें ऐड ऑन हो जाए। अब थोड़ी देर के लिए आप उस पेड़े को रख लें, तकरीबन 30 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स के लिए रख दें, और उसके बाद उसके छोटे छोटे पीसेस कर लें। छोटे पीसेस के बाद आप जो है इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लें। बॉल्स बनाने के बाद एक पैन में आप ऑयल लगाएं और उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क लें, और उस पर जो पेड़े आप बना रहे हैं उसको रखते जाएं। ठीक है, पेड़े बनाने के बाद आप इसको भी थोड़ा सा रेस्ट देंगे ताकि जो पेड़े हैं वो हमारे मतलब फूल जाएं। ठीक है, अब आप साइज़ देखेंगे ताकि जो साइज़ इसमें आपने देखा मतलब रखा है वो साइज़ में बड़े हो जाएं। अब देखेंगे, आप तकरीबन 30 मिनट तक इसको रहने दें रेस्ट पे। अब हम एक अंडा लेंगे इसको एग वॉश करने के लिए, और उसमें थोड़ा सा तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून दूध लेके उसको मिक्स कर देंगे। अब देखें, पेड़े जो हैं वो बंस के बहुत मतलब साइज़ में डबल हो चुके हैं। अब इसको अच्छे से हल्के हाथ से एग वॉश कर लें, मतलब जो हमने अंडे और दूध का मिक्सचर बनाया वो इसके ऊपर लगा लें, और बिल्कुल हल्के हाथ से, और इसके ऊपर हम थोड़े से सफ़ेद तिल ऊपर डाल देंगे। आपको नहीं पसंद तो आप, ऑप्शनल है, आप ना भी लें तो कोई बात नहीं। अब प्री हीटेड ओवन में हमने इसको बेक किया है तकरीबन 30 मिनट के लिए। ठीक है, और उसके ऊपर आप अच्छे से बटर लगा लें, एक शाइन होता है और बंस और अच्छे लगते हैं। मैंने कुछ गोल बनाए थे, कुछ थोड़े से लंबे बनाए थे बर्गर्स के लिए। मैंने लंबे इसलिए लिए कि जो चिकन मेरे पास था वो शेप उसकी ऐसी थी, और कुछ बच्चों ने खा लिए। अब एक बाउल में हम लेंगे 2-3 जवे लहसुन के, ऑयल डाल के उसमें ओवन में उसको हीट अप करेंगे। उसके बाद उसको निकाल के तो देखें, उसका छिलका मैंने हटा दिया है, और उसको 1 चम्मच बटर के साथ और उसमें डाला था, और तकरीबन मैंने 50 ग्राम्स और बटर लेके उसमें
जो है मिर्चें और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया, वो ऐड करके, थोड़ी सी काली मिर्चें, और इसको एक ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। तो चूंकि बटर जो है वो मेल्ट हो जाता है, तो इसको मैंने ब्रेड पे लगाने के लिए किया था, तो इसको थोड़ी देर आप फ्रीज़र में रख सकते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अब आप निकाल के जो ब्रेड जो बंस बने थे वो दो हिस्सों में करके आप दोनों हिस्सों पे ये लगा के इसके ऊपर चीज़ रखते हैं। आप श्रेडेड चीज़ ले लें, मैं स्लाइस वाले ले रही हूँ, आप श्रेडेड भी ले सकते हैं, और उसको बेक कर लें। तो ये देखें बहुत यम से ये रेडी हो गए हैं। और चिकन इसके ऊपर रखते हैं, जो फिलिंग्स आपको चाहिए आप इसके ऊपर रख सकते हैं। मैंने चिकन जो है जिंगर स्ट्रिप्स जो है, मेरी वीडियो मैं कैप्शन में मेंशन कर दूंगी, या जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मेरे ही वीडियो है, मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। तो ये जिंगर स्ट्रिप्स की वीडियो आपको वहाँ से मिल सकती है। मायोनीज़ मैं कुछ सॉसेस भी इसमें ऐड कर ली, सॉस मेरा अपना बनाया हुआ है, वो वीडियो भी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। थोड़े से जो है बंद गोभी, प्याज वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं, जो आपको जो भी चीज़ें टॉपिंग्स करनी है, ठीक है। उसके बाद हम इसको हमारे बर्गर्स रेडी हैं। अब इसको आप कवर करके डिश आउट कर लें, और चाहे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, इसको दो पीसेस में कर लें, सर्विंग अच्छी होती है। तो वीडियो जो है आपको अगर पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, और एक दफ़ा आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो बंस घर में बनते हैं, एक तो हेल्दी होते हैं, दूसरा बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, और आपको पता होता है कि अपने हाथ से बने हुए आप बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से खिला सकते हैं। ऐसे भी गर्म करके आप चाय के साथ ले सकते हैं, फिलिंग्स ना भी करें तो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह।